कराची से ब्यूरो चीफ सैयद मोहम्मद अब्बास जैदी की खबर शामिल करते हैं। सिंध बचाओ बेदारी मार्च। बेदारी मार्च GDA के मलीर प्रेस क्लब से ठट्टा जाने वाले काफले को पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल GDA के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और फंक्शनल लीग के जनरल सेक्रेटरी सदर अब्दुल रहीम ने पाकिस्तान स्टील मिल लेबर यूनियन के सदर अब्दुल हक चन्ना और खालिक चन्ना से स्टील मिल वर्कर्स के हमरा मुलाकात की। उन्होंने अपने मौकिफ में कहा कि गुज़िश्ता 2 माह से स्टील मिल टाउन के रहायशी कॉलोनी की गैस बंद करके घरों में फाका कशी पर मजबूर कर रहे हैं और सैकड़ों मुलाजमीन को जबरन बरतरफ के जुल्म की नई दास्तानें रकम की जा रही हैं। फंक्शनल लीग के रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम ने कहा कि पार्टी की आला क्यादत और पीर साई पघारा हर कदम पर स्टील मिल मुलाजमीन के साथ हैं, उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। बड़ी अजीब सी बात है कि स्टील मिल में एक तो उन्होंने तमाम जो स्टाफ है उसको निकालने की कोशिश की, उनके फैमिलीज को भूखा मारने की कोशिश की, एक सुलभ बर्पा किया। अब वो बेचना चाहते हैं, ज़मीन बेचना चाहते हैं। अब ये आखिरी हरबा उनका ये कि गैस बंद कर दी, लोग कहाँ से खाना खाएंगे, कहाँ से खाना पकाएंगे, गरीब लोगों को जो है इसलिए हम मदद कर रहे हैं और हम चौंका करते हैं कि फौरन